खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। कानपुर के जूही बारा देवी में श्री जंगलेश्वर रामलीला कमेटी ने प्रशासन की लापरवाही के चलते 67वां रामलीला का मंचन न कराने का फैसला किया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र तिवारी ने बताया कि जूही बारा देवी में रामलीला मैदान में भीषण गंदगी है। शहर के सभी रामलीला मैदान में सफाई व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है, लेकिन इस साल नगर निगम की लापरवाही के चलते जंगलेश्वर मैदान की ना तो साफ सफाई हुई है, यही नहीं नगर निगम के कर्मचारी साल भर कूड़ा डालकर धार्मिक स्थल को गंदगी करने का अड्डा बना दिया है। चूंकि 67वां आयोजन था इस बार और प्रत्येक वर्ष इस तरह के जो आयोजन होते हैं इसमें सफाई और जो भी लिपाई पुताई होती है इसका कार्य नगर निगम द्वारा होता है पूरे शहर में। इस बार ऐसा कोई भी प्रयास नहीं दिखाई दिया, उल्टा यहाँ जो दल संस्थान के लोग हैं यहाँ महिला ला करके दूसरी जगह से यहीं पर उड़े ले थे। कल मैंने रंगे हाथों पकड़ा, उनका ट्रक पकड़ा यहाँ पर, तो उस पर जब मैंने विरोध किया कि भाई ये धार्मिक स्थान है, यहाँ गंदगी आप फैलाते हो, ये नैतिकता से गलत है, तो बोले जो आपको करना हो कर लीजिए, हम तो ये करेंगे। और कूड़ा है, कूड़े में यहाँ डालते हैं, तो कूड़े का ऑब्जेक्शन किया गया, तो उन्होंने वहाँ लिख करके ऊपर पोर्टल में भेज हम लोगों सब जगह भेजा है, आपने भी तो कहते हैं ये लोग सठिया गए, इन लोगों का तो काम ही शिकायत करना है। वहाँ के जो पोर्टल पे जवाब आया हमारे पास कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया, हमने आपको मुझसे मिला ही नहीं, बोले नहीं मैं सुना रहा हूँ, तो उन्होंने बताया मुझको कि उसमें लिखा है कि आप तो शिकायतें किया करते हैं, तो भाई शिकायत किया करेंगे, अगर हम फर्जी शिकायत करेंगे तो हम पर कार्रवाई करें, कोई फर्जी शिकायत थोड़ी करें। आप लोग सामने देख रहे हैं कितना कि कूड़ा घर लगता है ये मैदान, यहाँ पेड़ लगे थे, पेड़ उखाड़ दिए गए। नहीं नहीं तो रामलीला ऐसे में क्या संभव है, पब्लिक आती है, बारा देवी मेला पास में है, दोनों सन्निकट हैं, और उसके अलावा बराबर जो है कोई कार्यक्रम की अनुमति भी नहीं है, न लिखित अनुमति है। बोले आप करिए, अब करने के बाद ये मास्क जो है या दूरी हम नहीं मेंटेन कर सकेंगे, कहीं अगर आतंकवादी भी भाई चल लग जाए, बस्तियाँ सब शामिल है अगल बगल की निश्चित आबादी है, कोई बच्चा एक खड़ी फेंक दे तो एक खाम खा का हेडक है कि नहीं, छोटी छोटी बातें होती हैं, नहीं स्थगित नहीं होगी, बल्कि चूंकि परंपरा चलती रहे सांकेतिक, इसलिए सांकेतिक हम लोग जो है वो क्या अरे सुंदरकांड रामचरित मानस का घर घर जो है अलग वो राम धुन कराएंगे, और 17 तारीख को एक मुफ्त आई कैंप गरीबों के लिए जरूरतमंदों के लिए वो लगाएंगे, और जो जो इसके संत लोग हैं जो इसके अयोध्या से यहाँ से 5-6 लोगों के हमारे चूँकि संत फतिक बालिका इंटर कॉलेज है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर लोग संत वंत आए थे, तो हमारी बात हुई थी उन लोगों से, उन्होंने कहा था कि मैं 14 तारीख को आऊँगा शांति सांकेतिक या धरने पर बैठाऊँगा इस पर, तो उसमें 10-15 डंडी स्वामी सब लोग आएंगे यहाँ पर। और हाँ नहीं रामलीला कैसे संभव हो पाएगी, हम रोक ही नहीं पाएंगे इस प्रतिस्पर्धा में, हमारा दोषी मानते हैं इसको, प्रशासन का सबसे बड़ा दोष प्रशासन का है, प्रशासन को जिससे पैसा की दोहरी बात करता प्रशासन, अगर सीधे सीधे करना है भाई आप मास्क से कर, हम किसको हम रोक पाएंगे, या तो फोर्स पर्याप्त दें। अभी क्षेत्रीय विधायक ने जो है निरीक्षण किया था जो नहीं हमारे हमारे उन्होंने कोई निरीक्षण नहीं किया और ना उन्होंने अवगत किया, हो सकता है हमारी अब्सेंस। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।